नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। तो फाइनली देखिए, आज हमको यहां पर जो कैंडल मिली है, यहां पर देखिए हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी। ट्रेंड लाइन को हमने कल ही क्लोज करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया था, बट यहां पर जो कैंडल मिली है इस कैंडल को हम देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न कह सकते हैं। देखिए आज मार्केट कुछ इस तरह की थी, मतलब कि बहुत हम कह सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए इस तरह की मार्केट बहुत रेयर केस में आती है और बहुत टफ टाइप की मार्केट होती है। मीन्स यहां पर देखिए ऑप्शन राइटर के लिए तो ये मार्केट ठीक है, बट मतलब ऑप्शन बायर्स के लिए यहां पर मार्केट ये बिल्कुल उसके मतलब की नहीं है। देखिए ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, ऑप्शन बायर को चाहिए एक फुल फ्लैश मार्केट, वन साइडेड मार्केट, और ऑप्शन राइटर को क्या चाहिए, एक साइडवेज मार्केट। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि देखिए अगर हमने ऊपर की यहां पर कॉल सेल करी होती 35,000 के आसपास की, तो यहां पर ऑप्शन राइटर के पैसे बन सकते थे। बट ऑप्शन राइटर भी देखिए यहां पर प्रॉपर, क्योंकि आज एक्सपायरी डे नहीं है, तो ऑप्शन राइटर भी यहां पर मतलब इतने अच्छे पैसे नहीं बना पाता। अगर यहां पर क्लोजिंग होती, एक्सपायरी डे होती, तब तो ऑप्शन राइटर काफी अच्छे पैसे बनाता, बट यहां पर ऑप्शन बाइंग का दिन तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं था। अब देखिए अगर हम यहां पर कैंडल को हम ध्यान से देखें, तो कैंडल को देखिए जो हाई लगा है वो 34,907 का लगा है और जो लो लगा है वो 34,018 का लगा है। मतलब यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे के लिए, नीचे से ऊपर के लिए हम देखें तो यहाँ पर 900 पॉइंट्स के आसपास हम चले, बट यहाँ पर देखिए कोई प्रॉपर मूव हमको यहाँ पर मार्केट में देखिए देखने को नहीं मिली। ऐसा एक प्रेडिक्शन थी कि मतलब 1 बजे के बाद मार्केट शायद किसी डायरेक्शन में निकल पड़े, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 11 बजे से लेकर जो है 3 साढ़े 3 बजे तक भी मार्केट में जो है एक रेंज बाउंड ही रहा। तो देखिए चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये देखिए हमारे पास, पहले मैं इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कल की ये गैप अप ओपनिंग है और ये जो रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं कि आज की ओपनिंग है। तो कल भी देखिए हम साइडवेज रहे कंटिन्यू और आज भी हम साइडवेज रहे। अब देखिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बताया था कि हम 34,600 के ऊपर अगर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। टारगेट हमारा 200 से 300 पॉइंट्स। अब देखिए हमने जब यहाँ पर 34,600 का लेवल निकाला है, अब देखिए सबसे पहली कैंडल हमारी ये रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल का हम अगर हाई देखेंगे तो 34,555 का हाई है। तो यहाँ पर जो अगली कैंडल यहाँ पर देखिए ये जो निकली है 10:15 पर, तो मैंने इस टाइम पर आप लोगों को एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था और बताया था कि अगर 34,600 के ऊपर निकलते हैं तो मे बी हम यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट्स के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग का डे तो बिल्कुल था ही नहीं। मीन्स मतलब ऑप्शन बायर्स एक टफ डे था, तो यहां पर ऑप्शन बायर देखिए बिल्कुल यहां पर पैसे देखिए, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो मे बी वहां पर कुछ छोटे छोटे पैसे वहां पर बने होंगे, बट यहां पर जब मार्केट में आपको वन साइडेड मूव बनती है तो पैसे वहां पर बनने आसान हो जाते हैं, प्रॉफिट बनना आसान हो जाता है। अब यहां पर देखिए हम 2 दिनों की मूव यहां पर पकड़ेंगे। अब मैंने यहां कल से लेकर के आज तक की यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। एक ट्रेंड लाइन हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ ये है और दूसरे कलर का मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ लगाऊंगा ब्लैक कलर की। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक चैनल में काम कर रहे हैं, असेंडिंग चैनल देखिए इसको हम कहते हैं। तो अब देखिए हमारे लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, कल एक्सपायरी डे है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारे पास एक यहाँ पर रेंज बनी हुई है, ये जो रेंज है इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो ये जो रेंज है ऊपर की हमारे पास देखिए 34,900 हम कह सकते हैं 34,950 के आसपास या 34,925 के आसपास। तो मीन्स हमको यहाँ पर एक बार 35,000 के ऊपर क्लोज करना है। 35,000 एक देखिए एक बहुत ज़बरदस्त हर्डल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जब तक हम 35,000 के ऊपर निकल कर क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करते तब तक हम यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जाना भी मुश्किल है। अब देखिए मे भी यहाँ पर कल क्या हो सकता है, कल क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रेड कलर की ट्रेंड लाइन होगी, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन है। तो देखिए ऑप्शन राइटर के लिए या फिर किसी भी स्ट्रैटेजी आप कोई भी फॉलो करते हैं, मैं यहाँ पर मार्केट की मूव बता देता हूँ किस तरह से यहाँ पर हो सकता है। कल यहाँ पर देखिए रेड कलर की ट्रेंड लाइन, अगर कल हम फ्लैट ओपन होते हैं और रेड कलर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, मीन्स यहाँ पर जो नीचे 34,550 के नीचे हम क्लोज कर देते हैं, तो मे भी देखिए हम सीधा हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 34,050 का होगा और उसके बाद हम यहाँ पर 33,600 के आसपास आ सकते हैं। मीन्स अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन है रेड कलर की। हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम बुलिश हैं, और रेड कलर के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही हम यहां पर बेयरिश हो जाएंगे इंट्राडे के लिए। पोजिशनल के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, इंट्राडे के लिए बता रहा हूं। तो देखिए इसी रेड कलर की ट्रेंड लाइन के बेस पर हम कल ट्रेडिंग करने वाले हैं। अब यहां पर कल ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, 34,550 का लेवल नीचे की तरफ क्लोज होता है, तो मैं यहां पर 35,000 की मैं यहां पर कॉल राइट करूंगा यहां पर, या फिर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अगर 34,500 मिले, 34,600 मिले वो मैं राइटिंग करूंगा, बट यहां पर मैं ऑप्शन बाइंग करने से बचूंगा। ऑप्शन बाइंग देखिए आपको किस सिनेरियो में करना है, ऑप्शन बाइंग आपको करना है 1 बजे के बाद, क्योंकि 1 बजे के बाद मार्केट में दोबारा एक वॉल्यूम जनरेट हो जाता है जो
हम कह सकते हैं कि 10:30 बजे से लेकर मार्केट 12:30 या 1 बजे तक मार्केट एक रेंज बाउंड टाइप की हो जाती है, उसके बाद 1 बजे के बाद जो है एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। सो यहाँ पर अगर 1 बजे के बाद अगर यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है तब मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करूंगा, बट यहाँ पर 1 बजे के बाद यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है तब मैं ऑप्शन राइटिंग करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारा प्लान होना चाहिए, 35,000 की हम यहाँ पर कॉल राइट कर सकते हैं। दूसरा देखिए ऊपर की तरफ क्या प्लान है, ऊपर की तरफ देखिए हम जब तक ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ क्लोज नहीं करते तब तक हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे। गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन होता है, गैप डाउन होता है 34,050 के आसपास यहाँ पर मिलता है, ये देखिए एक लेवल है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक डबल बॉटम बनता हुआ दिखेगा। पहला बॉटम ये है हमारे पास, दूसरा बॉटम ये है, मे बी यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, बट अगर यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो गया तो यहाँ जो हमारा प्रीवियस डे का लो है इसके आसपास से हम यहाँ पर बाउंस बैक हो सकते हैं 33,600 का लेवल। बट अगर देखिए मार्केट में कल ज़्यादा गिरावट देखने को रही तो हमारे पहले सपोर्ट देख लीजिए कौन कौन से होंगे। ये सपोर्ट होंगे हमारे 34,050 का सपोर्ट होगा, उसके बाद सपोर्ट होगा 34,600 का। मे बी अगर ज़्यादा कल वीकनेस रही तो ये गैप फिल हो सकता है, जो गैप यहाँ पर हमने कल बनाया है, जो कल हम यहाँ पर गैप अप ओपन हुए थे और यहाँ पर हमने गैप बनाया था, ये हमारा जो है अगला सपोर्ट हो सकता है। तो देखिए अब जो फोकस आपको करना है वो इसी कलर रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर ही फोकस करना है। इसको ब्रेक होते ही आप ऑप्शन बाइंग करिए, ऑप्शन राइटिंग करिए, बाकी जो भी मार्केट के सिनेरियो होगा, मार्केट में जो भी सिचुएशन चल रही होगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। देखिए जैसे मैंने आज आपको बताया था कि 34,600 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट ऊपर के लिए जा सकते हैं। फाइनली देखिए हमने 34,600 का लेवल ब्रेक तो किया और यहाँ पर हम 34,900 तक गए भी हैं, मतलब हम यहाँ पर 300 पॉइंट्स हमको मिले भी हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन बाइंग को मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कुछ मिला होगा। ऑप्शन बाइंग यहाँ पर बहुत मुश्किल थी। सो यहाँ पर जो है अब हमको कल के लिए रेड कलर की ट्रेंड लाइन पर फोकस करना है और मे बी अगर वीकनेस हुई तो हम यहाँ पर काफ़ी तेज गिरावट देखेंगे और यहाँ पर 33,500 के 600 के आसपास हम यहाँ पर कल मार्केट का आते हुए देखेंगे। तो कल जो है मतलब बाइंग से ज़्यादा आपको अगर सेलिंग पे अगर ध्यान दें तो मे बी यहाँ पर पैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये जो असेंडिंग चैनल जो पैटर्न बनते हैं वो मोस्टली नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं 80% केसेस में। सो आपको अगर 34,550 के नीचे मार्केट क्लोज होते हुए दिखाई दे तो यहाँ पर आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक हमारा एक्सिस बैंक का है, तो एक्सिस बैंक देखिए यहाँ पर क्लियर कट आपको मैंने कल बताया था कि 750 के ऊपर क्लोज होगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, और यहाँ पर अगर 700 के नीचे क्लोज होना स्टार्ट कर देगा तो हमारा टारगेट यहां पर 690 और 680 का होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक के लिए देखिए ये अब ये जो हर्डल बना हुआ है 350 और 355, ये 350 से 355 का जो ये एरिया है ये इसके लिए एक हर्डल का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर हम क्लोज नहीं होते तब तक अभी यहाँ पर बाइंग आनी थोड़ी मुश्किल है। मे बी देखिए कल अगर ये 335 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 330 और 325 का टारगेट देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने भी देखिए यहाँ पर फाइनली ये जो कैंडल बनाई हुई है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखिए ऊपर की तरफ जो लेवल है वो 1582 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर 1600 और 1610 रुपये के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1582 के ऊपर हमको एक कम से कम 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि ये देखिए इनसाइड कैंडल जो होते हैं इनसाइड कैंडल बहुत अच्छा यहाँ पर वर्क करते हैं और जो जो इनकी मूव होती है वो बहुत स्पाइक मूव होती है, बहुत तेज़ी से मूव होती है। सो इस पर नज़र बनाकर रखिएगा HDFC बैंक पर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। ICICI बैंक ने देखिए मे भी देखिए अब आज भी डोजी कैंडल बनाई है और कल भी जो कैंडल बनी थी वो भी डोजी कैंडल बनी थी। यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बार मार्केट को ICICI बैंक को यहाँ पर नीचे की तरफ आना चाहिए। नीचे की तरफ आना मतलब रीटेस्ट करना, एक बार इसको रीटेस्ट करने के लिए आना चाहिए। जब ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए उसके बाद कोई यहाँ पर डोजी कैंडल बने, कोई हैमर कैंडल बने, उसके बाद यहाँ से हमको एक पोजिशनल ट्रेड हमको मिल सकता है, अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगेन देखिए अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो ये हमारा अगला सपोर्ट होगा और इस सपोर्ट के आसपास से हमको यहाँ पर बिल्कुल 100% बाउंस बैक होना है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है और बहुत अच्छे वॉल्यूम और बहुत अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। बट यहाँ पर देखिए अगर बाइंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि यहाँ पर आप मे बी आप ट्रैप हो सकते हैं। बट अगर देखिए ये 630 रुपये के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट कर दिया और सस्टेन होना चालू हो गया तब आप यहाँ पर 640 और 650 रुपये के टारगेट के लिए जा सकते हैं। इंडसइंड बैंक बहुत ज़बरदस्त चला, देखिए आप कल मैंने आपको बताया था 1000 की क्लोजिंग के ऊपर कि 1000 के ऊपर ही क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। बट हमने देखिए ये बात करी थी कि अगर यहाँ पर एक दिन की कैंडल क्लोज हो और अगले दिन जाएंगे, बट यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो बहुत बड़ी मूव यहाँ पर हो गई और आज जो हमने हाई लगाया वो ऑलमोस्ट 1080 के आसपास का हाई लगाया। तो यहाँ पर देखिए 1000 के ऊपर जैसे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई या 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई तो आप वहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड बना सकते थे। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, 1050 के ऊपर अगर कल ट्रेड करना स्टार्ट
स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर आप 1070 और 1090 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक के लिए देखिए, कल ही मैंने आपको बताया था कि 1900 की क्लोजिंग, जब तक 1900 की क्लोजिंग नहीं हो जाती, 1900 के ऊपर हमको एक कैंडल क्लोज होती हुई मिलनी चाहिए, 1900 के ऊपर ही यहाँ पर एक स्पाइक मूव आने वाली, अच्छी मूव आने वाली है। अब फाइनली अगर देखिए हम ध्यान से देखें तो ये जो हमने रेड कलर की ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की हुई है, कल इस कैंडल ने जो है ब्रेकआउट दे दिया था, बट आज की जो कैंडल है इन दोनों का हाई ऑलमोस्ट हम देखें तो सेम है। अब देखिए 1900 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मे बी यहां पर हम जो टारगेट देखेंगे वो अगला टारगेट 1950 का, और उसके बाद हम टारगेट देखेंगे 2000 का। नेक्स्ट स्टॉक चलिए बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि 250 की क्लोजिंग के ऊपर हमारा 260 रुपये टारगेट होगा, फाइनली यहाँ पर देखिए 262 रुपये का हमको यहाँ पर टारगेट मिल गया। कल अगर ये इसी फ्लो में निकल जाता है तो देखिए हमको यहाँ पर 270 का टारगेट देखने के लिए मिलेगा, बट अगर कल ये देखिए 237 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम 230 रुपये के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी देखिए फाइनली बिल्कुल जैसे अपना बैंक निफ्टी यहाँ पर जो है बिहेव कर रहा है, सेम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिहेव भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को कल बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है, आज जो कैंडल बनाई है वो भी सेम बनी हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो मे भी देखिए इसको हम कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पर ले सकते हैं, और 340 के ऊपर निकलता है तो 350 रुपए के टारगेट के लिए हम यहां पर जा सकते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी में जरा कल ध्यान से ट्रेड करिए। मे भी देखिए अगर बैंक के लिए जाना चाहते हैं तो बैंक के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मार्केट को नीचे आता हुआ देख रहा हूँ, मुझको ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसी प्रेडिक्शन है मेरी, ये मेरा व्यू है, मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने जो बोल दिया आपने वही करना है। आप भी अपनी एनालिसिस करिए, आप भी देखिए, आपने लेवल निकालिए, सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, कौन सी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है वो सारी चीज़ें देखिए, मेरे को मार्केट देखिए। अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, बट मार्केट अगर बाइंग के लिए जाएगी तो मैं वहां पर क्वांटिटी अपनी छोटी रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए, और कल का जो ये लो लगा हुआ है यहां पर, ये लो जो है 33,600-33,700 के बीच का लो है, तो ये मेरा टारगेट है कल का। अगर ये कल ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो मैं इस टारगेट के लिए यहां पर 35,000 की या 34,800 की मैं कॉल यहां पर राइट करूंगा। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।